टू फैमिली, आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल्स। सबसे पहले हमें चाहिए मैश पोटैटो, उसके अंदर हम डालेंगे अनियंस, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से आप जितना डालना चाहें। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसके बाद यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली डाली है, सब्ज़ मिर्च, उसके बाद चिकन डाला है, चिकन आपकी मर्ज़ी है, आप जितना भी डालना चाहें, और अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने डाला है रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर और नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आप चाहें। उसके बाद यहाँ हम डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, जो कि मैंने डाला है यहाँ पे 1 टीस्पून। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अब हम। यहाँ पे मैंने नमक और मिर्च और डाला है, टेस्ट कम लग रहा था इसलिए मैंने उसमें और डाला है, आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे पेपरिका पाउडर डाला है, पेपरिका पाउडर मस्ट डालें क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मायोनीज डाली है, वो 3 टेबल स्पून डाली है, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने चीज़ का एक बाउल लिया है, चीज़ डाली है, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देता है हमारे इस मटीरियल में। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब यहाँ पे मैंने अब ब्रेड के स्लाइसेस लेके उसकी साइड्स काट ली हैं और इसको एक बाउल में डिप किया है, उसके बाद उसके जो एक्स्ट्रा वाटर है वो हमने निकाल लिया है। अब इसके अंदर मैं अपना मटेरियल फिल करूँगी, जितना चाहें आप डाल सकते हैं उसके अंदर। उसके बाद आप उसको अच्छे तरीके से रैप कर लेंगे और उसको अच्छे तरीके से रैप करें, क्योंकि अगर आपका ये मटेरियल जब आप उसको डीप फ्राई करेंगे तो ये अगर खुल गया, सही तरीके से बंद नहीं होगा तो ये खुल जाएगा, जिसकी वजह से सारा जो है अंदर से मटेरियल निकल जाएगा। इसलिए उसको अच्छे तरीके से रैप करें, और पानी जो है, पानी की वजह से ये इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है अंदर से। सेम उसी तरीके से आप जितने ब्रेड रोल्स बनाना चाहें आप बना लेंगे। आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी ऐड करना चाहें इसमें तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमने बाकी सारे ब्रेड रोल्स भी बना लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये हमारा जो रोल्स हैं ये सेट हो जाए अच्छे तरीके से। ये जो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसी वक्त फ्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास मेहमान आए हुए हैं तो आप फ़ौरन उसी वक्त फ्राई कर दें, लेकिन अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे 15 मिनट के लिए तो ये बहुत अच्छे सेट हो जाते हैं। अब फ्रिज से निकालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एग लेंगे एक, उसके अंदर हम लोग डिप करेंगे, उसके बाद हम उसको ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस आप 2 दफ़ा भी रिपीट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये प्रोसेस 1 दफ़ा रिपीट किया है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सारे ब्रेड रोल्स को डिप करके रख लूँगी, उसके बाद उसको मैं 1 दफ़ा दोबारा फ्रिज में रखूँगी। ठीक है जी, ये सारे बन गए हैं। अब इसे क्या करूँगी, मैं फ्रिज में रख दूँगी 10 मिनट के लिए, और ताकि ये अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स जो है वो सेट हो जाएं, और जब हम उसको फ्राई करें तो ब्रेड क्रम्स उसके ऊपर से उतरे नहीं। अभी मैंने 10 मिनट के बाद उसको फ्राई कर लिया और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, आप देख सकते हैं, और अंदर से बहुत ज़्यादा नरम होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट खाने में, क्योंकि हम लोग इसके अंदर पानी लगा के हम लोगों ने इसको ब्रेड को सॉफ्ट और किया था, जिसकी वजह से अंदर से बहुत क्रीमी सा टेक्सचर आता है, और इसमें हमने चीज़ भी डाली है, और ऊपर से बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।